प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजाद हिंद फौज की सरकार की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल पारंपरिक रूप से लाल किले पर दूसरी बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। बहादुरी, साहस, संकल्प और राष्ट्रभक्ति के बेमिसाल प्रतीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पीएम मोदी की ये श्रद्धांजलि है। राजस्थान के जयपुर में देह व्यापार की आड़ में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। जयपुर के मोहाना में युवती के साथ दो लोगों ने जबरन बलात्कार किया। जान बचाने के लिए युवती ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए सुपारी लेने वाले गैंग के बदमाशों का जुलूस निकाला। आरोप है कि ये गैंग फोटो अपलोड कर मकान खाली कराने से लेकर हत्या करने तक की सुपारी लेने के लिए सोशल मीडिया पर अपराध की मार्केटिंग करता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत में पिछले सालों की तुलना में इस साल सर्दी का थोड़ा कम असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ महीनों में प्रशांत महासागर में अल नीना की मौजूदगी के मद्देनजर ये आशंका जताई है।